नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। तो यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास यहाँ पे तीन बल्ब हैं, तीन होल्डर है, साथ में थ्री मॉड्यूलर का फेस प्लेट और साथ में तीन स्विच है। तो इन सभी की सहायता से हम इन तीनों बल्बों को ऑपरेट कराने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ले लेते हैं अपने थ्री मॉड्यूलर के फेस प्लेट को और कुछ प्रॉपर तरीके से खोल देते हैं और प्रॉपर तरीके से उस थ्री मॉड्यूलर फेस प्लेट में हमने स्विचेस को लगा देते हैं और कुछ इस प्रकार से हमने स्विचेस को इसमें फिट कर देते हैं। दोस्तों, कंप्लीट वायरिंग में आपको इसकी सिखाऊंगा। तो दोस्तों, ले लेते हैं अपने तीनों बल्ब होल्डर्स को और कुछ इस प्रकार से हमें तीनों स्विचेस में से एक एक कंट्रोल वायर अपने तीनों होल्डर तक पहुँचानी है, कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, पहले और दूसरे और तीसरे होल्डर से मैंने एक एक कंट्रोलिंग वायर जो है वो अपने तीनों होल्डर के लिए पहुंचा दिए, जिससे कि हमारा बल्ब आसानी से कंट्रोल हो सकता है। दोस्तों, बारी आती है दोस्तों इसमें न्यूट्रल वायर की। तो दोस्तों, हमारा तीनों जो बल्ब हैं, तीनों बल्बों में एक कॉमन न्यूट्रल होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से हमें कॉमन अपने जो मेन न्यूट्रल है, उन न्यूट्रलों को इन होल्डरों में प्रॉपर कुछ इस प्रकार से जोड़ देना है। दोस्तों, बारी आती है हमारी मेन जो फेज वायर है, और उस मेन फेज वायर को दोस्तों हम जोड़ देते हैं अपने स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल्स में, सभी को आपस में लूप करते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको इसको एक बार टेस्ट करा के दिखाऊंगा कि यहाँ पे हमारा सर्किट ओके है या नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले बल्ब से हमारा पहला, दूसरा और तीसरे स्विच से हमारा तीसरा बल्ब ऑपरेट हो रहा है। तो यार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में कमेंट करना। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।